Hello everyone, let's start with chemical reactions and equations. So we'll be taking you through quick revision of this chapter. So let's start with chemical reaction and equation. So सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि chemical reaction क्या होता है. So this is basically the process in which one or more substances react to form new substances. अगर हमें कोई new substance चाहिए, what we can do? We can take one or more substances and it will give us a new substance. Now, the next thing which is there in this chapter is chemical equation. अब chemical equation क्या होता है? In that we get to have reactants and we have products on the right hand side. So reactants when combined together, they give us products, some new products, right? अब यहाँ पे next topic आपका आता है कि balance कैसे किया जाए और balance की condition क्या होती है, ये भी बहुत important question है. तो सबसे पहले balancing की equation कैसी रहती है कि दोनों तरफ left side पे भी और right side पे भी same number of elements होने चाहिए and number of atom must be same, number of atoms on left side and the right side must be same, then only we can say that they are बैलेंस. अब नेक्स्ट बात आती है आपकी कि कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करते हैं. सो इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे फॉलो, कि मास हमारा इंटैक्ट रहता है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन भी सकते हैं आपके कि अगर लेफ्ट साइड पे इतना मास है तो राइट साइड पे कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. और यस, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी बैलेंस्ड. और दूसरी बात, वी नो कि फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, गैस को जी से, सॉलिड को एस से, एक्वस को AQ से, लिक्विड को L से. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट कि टाइप्स कौन से हैं हमारे रिएक्शन के. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. जैसे कि लेट्स से यू हैव कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो यू कैन सी कि इस केस में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो यस, वी कैन से दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दैट देयर इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड. एक ही कंपाउंड होगा हमारे पास. वेरी नोन एग्जाम्पल फॉर यू, FeSO4. When heated, this is ferrous sulfate. When heated, it gives off ferric oxide, that is Fe2O3, and sulfur dioxide and sulfur trioxide. So you can see solid is there, gas is there, gas is there. So yes, this can be considered as decomposition reaction. Now we have displacement reaction. अब displacement reaction क्या होता है कि जिसमें आपका एक element displace होगा ही होगा. जैसे कि लेट्स से कि आपके पास है कॉपर सल्फेट, व्हेन रिएक्ट्स विद Fe इट विल गिव अस FeSO4. तो यहाँ पे किसने किसको ओवरकम किया है, कॉपर को ओवरकम किया है, सो दैट इट कैन बी FeSO4 फॉर अस एंड कॉपर एज वेल, राइट. सो वन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर इफ इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर पार्ट, ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव थर्मल डिकम्पोजिशन अंडर दिस, मतलब अंडर डिकम्पोजिशन हमारे पास होता है एक थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल का मतलब क्या होता है, इफ़ हीट इज़ इन्वॉल्व्ड. अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में और किसकी वजह से, हीट की वजह से. जैसे वन एलिमेंट इज़ देयर, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे यू विल गेट टू सी कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide gas, right? So this is the thermal decomposition, heat involved hona. Next aata hai hamare paas electric decomposition. Electric decomposition ka matlab kya hai, ki electricity must be involved. Ki agar aapko ek substance ko break karna hai do parts mein ya three parts mein, jitne bhi parts banne ho, to you need to use electric current for that. It is like this, 2H2O when under electricity it will give you 2H2 and it will give you oxygen as the
गैस। नाउ द नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, दैट यू नीड टू गिव सनलाइट टू इट। सो सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी शुड हैव द डिकम्पोजिशन। जैसे कि वी हैव वन वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इफ यू कीप इट अंडर सनलाइट इट विल गिव यू एजी एंड क्लोरीन एज अ रिएक्टेंट एंड दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इट। सो यू कैन सी दैट दिस इज द डिकम्पोजिशन पार्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी हमने देखा, इसमें एक सब्सटेंस इन्वॉल्व था और दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व था। अब इस केस में सब्सटेंस बोलो या कंपाउंड बोलो, कंपाउंड इज़ बेटर, तो कंपाउंड एक था और एलिमेंट एक था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दैट टू कंपाउंड्स आर देयर, देयर मस्ट बी टू कंपाउंड्स टू हैव डबल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से यू हैव ए जी एन ओ थ्री एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड इट विल गिव यू ए जी सी एल एंड इट विल गिव यू एन ए एन ओ थ्री। यू कैन सी कि ए जी हैज रिप्लेस्ड एन ए एंड यस यू कैन सी एन ए एन ए एन ओ थ्री हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड ए जी सी एल हैज़ बीन फॉर्म्ड। सो यस दिस इज हाउ डबल डिस्प्लेसमेंट वर्क एंड इट एक्चुअली एक्सचेंज देयर आयंस। ये क्या होते हैं, हमारे आयंस होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो प्लस फॉर्म करते हैं और जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग है दैट इज नेगेटिव, दैट इज नॉन मेटल्स, सो यस दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और साथ में जब होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देन इट इज़ वॉट, इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। सो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स से यू हैव सी यू ओ प्लस एस टू इट विल गिव यू कॉपर एंड इट विल गिव यू एस टू ओ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एस टू इज बेसिकली द रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइज कौन है, इट इज being oxidized, you can say that is S2 being converted to H2O and CuO has been reduced to Cu, that means it is the reduction part, this is the reduction part and this is the oxidation part. So gain of oxygen is what, oxidation, and loss of hydrogen atom is oxidation. Reduction is what, loss of oxygen atom, gain of hydrogen atom. So yes, this is oxidation reduction. And now very important part, which is endothermic and exothermic. Endothermic reaction mein kya hota hai, reaction in which heat energy is absorbed, which one is this, endothermic. Isme kya karwana padega hame, heat energy needs to be absorbed. Jaise ki one example is there, CaCO3 when heated it will give you calcium oxide and carbon dioxide. So this is the endothermic reaction. Why? Because heat energy is involved. अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, we have exothermic reaction. Exothermic का मतलब क्या है, that heat energy will be released along the formation of products. जैसे कि let's say one example is there again, CH4 plus oxygen gives us carbon dioxide plus H2O plus heat energy is released. So you can see that heat energy is being released here. That means this is which type? Exothermic. Endothermic mein kya hota hai? Heat energy is absorbed. Exothermic is when heat energy is released. Now the next is effects in everyday life. Matlab in processes se kya effect padte hai? जैसे कि आपने पढ़ा होगा बुक में, दो पार्ट्स हैं, करोजन एंड द अदर इज रैंसिडिटी। करोजन का मतलब क्या होता है, दैट इट हैज़ बीन रिएक्टिंग विद सम एलिमेंट्स सच एज आयरन हो गया एंड वी हैव एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो मेटल के साथ अगर इंट्रैक्शन होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस से और मॉइस्चर से, सो देयर विल बी सम अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, जैसे कि हमारा रस्ट हो जाता है। रस्ट फॉर्म होना इज बिकॉज ऑफ करोजन, यू नो। ठीक है, सो वी कैन प्रोटेक्ट इट बाय
बाय पेंटिंग इट, बाय यूजिंग गैल्वनाइजेशन मेथड, तो ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा पार्ट, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट, मतलब ऑक्सीजन गेन करना इन ऑयल्स एंड फैट, क्योंकि वो भी एक केमिकल्स हैं, तो केमिकल के साथ अगर हमारे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा या मॉइस्चर रिएक्ट करेगा, इट विल रिजल्ट इन बैड स्मेल। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर हमारा खाना ख़राब हो जाता है तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, टेस्ट बदल जाता है उसका। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, आप कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो? पैक करके फूड वैक्यूम पैकिंग यूज़ कर सकते हो, एयर बाय नाइट्रोजन, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, रेफ्रिजरेशन कर सकते हो फूड स्टफ का, और दूसरी चीज़ बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स इन इट। तो ये सारे काम करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव आवर फूड फ्रॉम रैंसिडिटी। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर वन। आई होप यस दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर वन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।